अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मिलादुन्नबी की एक मीटिंग के दौरान, एक जलसे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बुरखा पहन के अगर कोई जा रहे हैं तो उसको रोके नहीं, कानून हाथ में ना ले, उनको जाना है तो जाने दे। इसी बात को लेकर जनाब मुश्ताक मालिक ने काउंटर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी से कई सवाल किए, देखते हैं। सुपर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े अफसोस की बात है कि अभी जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक तकरीर की, उसमें यह कहा कि अगर कोई बुरखा पोश मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ अगर जा रही है तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, आप खामखा के उसको रोक कर न उलझें, क्योंकि आप कोई सऊदी अरब की पुलिस नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में भी आज़ादी समझिए कि हासिल है। यानी इसका मतलब यह है कि संघ परिवार का जो एजेंडा है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए और मुस्लिम लड़कियों की जिंदगियों को तबाह किया जाए, कुछ महीने उनके साथ रह जाएं और फिर या तो प्रेग्नेंट कर दें या फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद उनको छोड़ दिया जाए, सैकड़ों केसेस ऐसे हैं। अभी मेरे सामने एक हमारे दोस्त मुख्तलिफ समझिए रियासतों का डेटा रख रहे थे, तो साउथ इंडिया में, बल्कि मैं चेन्नई और समझिए के केरला वगैरह की बात नहीं करूँगा, सिर्फ तेलंगाना में शहर हैदराबाद का जो समझिए के डेटा आया है उसमें 3,500 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने की बात आई है। उसी तरह मुख्तलिफ रियासतों के भी फिगर्स आए हैं। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझिए कि ये कहते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम के साथ जाती, उन्होंने ये नहीं कहा कि माँ बाप को तलकीन नहीं की कि भाई दीनी बच्चों को समझिए दीन सिखाया जाए, बच्चों को दीन की तरबियत दी जाए, अखलाक सुधारे जाएँ। पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुहिम चला रहा है, मुल्क के तमाम उलमा मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये तलकीन की है कि अगर कोई प्यार कर रहा है तो माँ बाप के पास जाएँ और समझिए कि बरमला ये कहें कि हमको उनसे उससे प्यार है, और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो जो अगर प्यार किसी लड़की को किसी लड़के से, किसी लड़के को किसी लड़की से हो जाता है तो ये 1959 नहीं है बल्कि 2021 है, 21वें समझिए सदी में आप कदम रख चुके हैं, आप समझिए कि उसकी शादी कर दें। यानी कुरान का हुक्म है कि नहीं अनिल मुनकर तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तो आप नहीं अनिल मुनकर की समझिए कि साहब नफी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बुराई को अगर देखो तो आप मत रोको, आप तमाशा देखो। यानी संघ परिवार के एजेंडे की तकमील आप करो, आपको कोई इख्तियार नहीं है।